आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में, देखें और सीखें, द नीटिंग चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेबी बूटीज। बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मैं यहाँ 33 फंदे लूँगी। मेरा 2 प्लाई ऊन है, मैं इसे जोड़ के बना रही हूँ। आप चाहे तो 4 प्लाई ऊन से भी बना सकते हैं। 2 3 4, हमें इसी तरह से 33 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसी तरह से हमें 33 पूरा करना है। देखिए हमारा 33 चेन पूरा हो गया है। तो चलिए आगे हमें क्या करना है, आगे हम देखिए, ये फर्स्ट चेन छोड़ के हमें सेकंड चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। सॉरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से लें, और 3 का 2 करें और 2 का 1 कर दें। फिर इसी तरह से हम करेंगे नेक्स्ट वाली चेन पे, 3 फंदों का 2 करेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर नेक्स्ट वाली में भी हम इसी तरह से करेंगे। हमें पूरी लाइन डबल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए इसे पूरा करके बताते हैं आपको। ये हमारी पहली लाइन पूरी हो चुकी है, देखिए। हमें यहाँ से कलर चेंज करना है। पहले हम एक चेन ले लेते हैं यहाँ, एक लास्ट में हमें एक चेन लेनी है। सॉरी, यहीं से हमें कलर जोड़ना है। एक चेन ले लेंगे हम यहाँ इस तरह से, और इधर हम पलट जाएंगे। अब हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे। पहले लाइन हमने डबल क्रोशिया बनाया, अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए पहली वाली जो है चेन, इसमें हम डालेंगे इस तरह से, और बीच में उंगली इस तरह से लगाएंगे हम इसे इस तरह से, और इसको खींचते हुए आगे लाना है, और ये 2 का 1 कर देना है। ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन बन के आएगा। फिर नेक्स्ट वाली चेन में हम इसी तरह से करेंगे। हमें इसे धागा लेके नहीं करना है, इस तरह से बीच में उंगली फंसा के इसी तरह से हम इसे फिर 2 का 1 कर देंगे।
ये हमारा तीन बन गया। लगभग हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम 10 चेन तक हमें इसी तरह से बनाना है। ये लूप डिज़ाइन, हमें इसे लूप डिज़ाइन भी कहते हैं या झालर डिज़ाइन, जो भी कहें आप। और बीच में हमें यहाँ, यानी टोटल हमारा ये 32 बन चुका है चेन, तो बीच में हम यहाँ 12 छोड़ देंगे और 10 इधर लेंगे हम। 10 में फिर ऐसा डिज़ाइन डालेंगे। तो चलिए इसे पूरा कर लेते हैं, पहले हम बीच में इस तरह से डालें, इसी तरह से करेंगे हम। कि हमारा बना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा हो गया 8। नौ हमारा ये 10 पूरा हो गया, देख सकते हैं ये लूप डिज़ाइन। अब यहाँ हमें सिर्फ नॉर्मल ही हमें सिंगल क्रोशिया 12 बनाना है, 12 चेन। 1 2 3 4 5 छः सात आठ नौ दस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। देखिए ये इस तरह से बन के आएगा। इधर हमें झालर देना है, बीच में सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें 12। 10 हमने इधर बनाया है, 12 बीच में और 10 इधर बनाएंगे हम। अब 10 जो बची हुई है हमारी, इसी तरह से बनाएंगे हम जैसे हमने पहले बनाया हुआ है। फिर लेंगे इसको इस तरह से, फिर बीच में से उंगली इस तरह से लगाएंगे, इसे खींचते हुए लाएंगे और इसे इसे 2 का 1 कर देना है। तो हमारे इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। देखिए इस तरह से बन के रेडी हो रहा है। देखिए हमारा 10 पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और लास्ट में हमें एक चेन लेनी है इस तरह से और हम इधर पलट जाएंगे आगे की ओर। अभी जैसा हमें पूरी लाइन
डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पहले लाइन बनाया हुआ है, बस इसी तरह से पूरी लाइन आपको डबल क्रोशिया बनाना है। फर्स्ट चेन में डालेंगे हम इसे, सॉरी पहले हम धागा ले लेंगे, फर्स्ट चेन में डालेंगे इसे इस तरह से, तीन का दो, दो का एक कर दें, हमें पूरी लाइन ये जो है, हमें पूरी लाइन यहाँ से हमें यहाँ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। तो चलिए बनाइए डबल क्रोशिया, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। देखिए हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, मैंने यहाँ 19 राउंड बनाया हुआ है, देख सकते हैं। कुछ नहीं करना, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया बस उसी तरह से आपको पूरा 19 लाइन कंप्लीट कर लेनी है। आप जितने बड़े बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए उस हिसाब से बनाएं। मैं यह 7-8 साल के बच्चों के लिए बनाई हूँ, देख सकते हैं। यहाँ से गिनेंगे हम एक एक, ये भी गिनेंगे, ये सिंगल क्रोशिया दो, फिर डबल क्रोशिया तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19वां राउंड। उसे हमें तीन का दो करेंगे और दो का एक कर देंगे। अब यहाँ से हमें धागा काट लेनी है, अब यहाँ से हम सिलाई करेंगे, इसे भी काटेंगे हम। से काट लेंगे, चलिए जैसे सीने का तरीका बता देते हैं आपको, जैसे सीना कैसे है। सारे धागों को काट लेते हैं पहले, ये हमारा उल्टा साइड इस तरह से बनेगा और सीधे में हमारा इस तरह से बनेगा। तो हमें सीना है उल्टे डिजाइन से, उल्टे तरफ से इसे इस तरह से कर लेंगे, इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से। पहले सिलाई हम यहाँ से शुरू करेंगे, सफ़ेद भाग हमारा आगे रहेगा और ये जो बैंगनी भाग है हमारा पीछे रहेगा। पहले हम इसे सी लेते हैं, मैं इसे सुई धागे से सी रही हूँ, आप चाहे तो ऊन से भी सी सकते हैं। गांठ लगा लेंगे यहाँ, अभी हम शुरुआत तरफ आ गए हैं। शुरुआती में हमें पीछे मैंने गांठ लगाया हुआ है, लेकिन इसे हम इस तरह से सीएंगे, ध्यान से देखिए।
से छोटे छोटे से हम सिलाई इस तरह से लेते हुए इसमें से डालते हुए निकालेंगे। पीछे धागा हमें खींच के यहाँ सटाना नहीं है, थोड़ा सा दूर में ही रखना है इसे। क्योंकि हमें दोनों धागों को खींचना है लास्ट में। हमारा यान तक हो गया, अब हमें इसे दोनों धागों को पकड़ के इसे खींचना है। इसके एकदम थोड़ा सा टाइट करके इसे खींचें और इसे यहाँ बांध देंगे हम। देखिए इस तरह से टाइट करें ताकि बीच में गैप ना रहे, उसमें गांठ लगा दें, दो तीन गांठ लगा दें मजबूती से। अब हमें यहाँ से सिलाई करना है, इसका हाफ करना है। ऐसे हाफ करके फोल्ड कर ले इस तरह से, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें सिलाई कहाँ तक करनी है। हमें सिलाई यहाँ तक पूरी करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इधर खुला हो रहेगा हमारा। चलिए इसे सिलाई करते हैं ना। ये बहुत ही आसान है इसे बनाना, और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। ऐसे बच्चों को पहना है बहुत सुंदर लगेगा ये। हमारी सिलाई यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, इसे यहाँ गांठ लगा लेंगे हम। इसे कट कर लेंगे इसे हम, और इसे अब हम सीधा कर लेंगे। सीधा होने के बाद ये इस तरह से लगेगा। सीधा होने के बाद ये इस तरह से लगेगा। आप इसमें छोटे छोटे आँख भी लगा सकते हैं बच्चों के लिए, जिससे ये खूबसूरती इसका बढ़ जाए और बच्चों को अच्छा लगे ये देखने में। देखिए छोटा सा मुंह भी बना सकते हैं इस तरह से। आप इसकी आंखें लगा दें यहाँ पे, ये छोटा सा यहाँ मुंह लगा दें। देखिए इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए बनाइए, और कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आपके लिए आती हूँ कुछ नया। थैंक यू।